दिल्ली के फिरोजाबाद पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अजय कुमार के निर्देश में थाना दक्षिण, थाना पचोकरा व एसटीएस पुलिस टीमों द्वारा अंतर्राज्यीय गैंग के 2 सातिर अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है, जिनके कब्जे से 5 4 पहिए वाहन, 3 कटे हुए इंजन व 42,000 रुपए नगद बरामद किए हैं। 7 अभियुक्तों का कई राज्यों में नेटवर्क फैला था। अपराधी इमरान पर 1.5 दर्जन से अधिक मुकदमे दर्ज हैं। कई राज्यों में जेल भी जा चुके हैं। अब अपने अन्य साथियों संग मिलकर विभिन्न जनपदों से गाड़ियों की चोरी करके नदीम के गोदाम फिरोजाबाद में काटकर इंजन व पुर्जों की बिक्री करते थे। आपको बताते चले, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक फिरोजाबाद द्वारा चलाए जा रहे ऑपरेशन चक्रव्यूह के अंतर्गत अपर पुलिस अधीक्षक नगर के पर्यवेक्षण एवं क्षेत्र अधिकारी टूंडला के कुशल नेतृत्व में संयुक्त कार्रवाई करते हुए मुखबिर की सूचना पर गाड़ी चुराने वाले तथा चोरी की गाड़ियों को काटने वाले अंतर्राज्यीय गैंग के 2 सातिर अभियुक्तों इमरान व नदीम को सुहागनगर पोस्ट ऑफिस के पास से गिरफ्तार किया गया है। अभियुक्तगढ़ के कब्जे से 1 चोरी की गाड़ी ईगो बरामद हुई है। अभियुक्त नदीम की जामा तलाशी पर 42,000 रुपए नगद बरामद हुए हैं। अभियुक्तों की निशानदेही पर नैनी ग्लास चौराहे के पास सर्विस रोड पर बने नदीम के गोदाम से 4 गाड़ियां व 3 कटी हुई गाड़ियों के इंजन पुलिस ने बरामद कर दोनों अभियुक्तों को जेल भेज दिया है। थाना दक्षिण, थाना पचोखरा और स्पेशल टास्क स्क्वाड टीम को बड़ी कामयाबी मिली है। इन्होंने एक अंतर्राज्यीय चोरों के गैंग का भंडाफोड़ किया है, जिसमें से 2 कुख्यात अपराधी इमरान और नदीम अख्तर को गिरफ्तार किया है। ये अंतर्राज्यीय चोर हैं जो 4 पहिया वाहनों की चोरी करके उनके पुर्जे अलग अलग करके बेच करके अकूत धन कमाते हैं। ऐसे दोनों चोरों को गिरफ्तार किया गया है। इनके कब्जे से 5 की संख्या में 4 पहिया वाहन कारें बरामद हुई हैं, साथ ही साथ 3 कारों के इंजन पुलिस ने बरामद किए हैं और 42,000 रुपये नकद इनके कब्जे से बरामद किया गया है। इनके 3 साथी मौके से फरार हुए हैं, जिनको गिरफ्तार करने के लिए तेज तरार टीमें लगाई गई हैं। इसमें जो अपराधी है इमरान, उस पर दिल्ली, आगरा, फिरोजाबाद आदि स्थानों पर तकरीबन 17 मुकदमे दर्ज पाए गए हैं। ये बहुत ही बड़ा चोरों का एक रैकेट है, जिसको पुलिस आज सबूतों के साथ जेल भेज रही है। शानदार काम करने वाली टीम की जो नेतृत्व करने वाले थे हरविंद मिश्रा SI, सुशांत गौर इंस्पेक्टर, इन सभी की टीम को 20,000 रुपये का नकद इनाम मेरे द्वारा प्रदान किया जा रहा है। देखते रहिए DB भारती समाचार, नजर हर खबर पर।